देश के किसानों ने सरकार से 5 सालों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद किसानों ने आज प्रदेश स्तरीय रैली का संयोजक किया। इस रैली में हजारों किसान और किसान नेताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय किसान यूनियन के संयोजक वीएम सिंह ने बताया कि सरकार के 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, पर देश के प्रधानमंत्री ने कई वादे किए थे, वे अभी तक पूरे नहीं किए और जाते जाते किसानों को जलील करने का भी कार्य किया। देखिए, आज की रैली गुलाम सिंह साहब ने संगठन ने भारतीय किसान यूनियन की है। ये बजट के बाद ये पहली रैली है जो पूरे देश में अब रैलियाँ होने वाली है मोदी सरकार को बताने के लिए। मोदी जी, आपने जो वायदा किया था 2014 में किसानों के साथ, अब जाने का समय आ गया। आपने वायदा पूरा नहीं किया, जाते जाते किसान को जलील और कर दिया आपने, उनको 3 रुपये एक किसान को एक दिन में देने का। इसलिए आज जो ये रैली है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इन्होंने शुरुआत की है, ये पूरे देश में जाएगी, ये आग पूरे देश में लगेगी और 2019 में अपना हक छीनने के लिए किसान फिर खड़ा हो। आपने एक लाइन लिखी है अपने बैनरों पे, जो किसान का काज करेगा वही देश पे राज करेगा, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? बड़ा सीधा है, किसान देश को खिलाता है, देश को किसान की इज्जत करनी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, हम लोग आज तक जो है केवल मांगते थे हमें दे दो दे दो दे दो, अब समय आ गया छीनने का। अगर किसान आज आप देख रहे हो हर संगठन ने इतना कष्ट रहा है पिछले 5 साल के अंदर, और अब ये हाल हो गया है पिछले 2 महीने से दिल्ली की रैली के बाद, किसान किसान पूरा हरके हो रहा है। हर पार्टी किसान की बात कर रही है, हर संगठन किसान की बात कर रहा है, जो व्यापारी भी हो कोई और भी हो, पर अब इसलिए देखना है कि किसान संगठित है पूरे देश का। बेशक भाषा अलग अलग हो, पीड़ा सबकी वही है, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, डेढ़ गुना लागत का दाम चाहते हैं, उसकी गारंटी चाहते हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर जो माहौल है, एक मैसेज है, हम सब चाहते हैं आज की शुरुआत पूरे देश में फैले और इसके लिए हम लोग सब वचनबद्ध हैं। देखिए, आज की रैली से पहले हमने सारी राजनीतिक पार्टियों को किसानों की मांगों का पत्र लिखा है कि कौन सी पार्टी किसानों के लिए हमारी जो मांगे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की, कर्जे की, भाव की गारंटी देने की मिले, और जो बेरोजगार हैं उनको 5 लाख रुपया बिना ब्याज के लोन मिले, और दूध का, सब्जी का, फलों का, सबका MSP तय हो, ये सब मांगे हमने राजनीतिक पार्टियों को लिख के भेजी हैं। लेकिन देखना ये है कि अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी इस पे गंभीर नज़र नहीं आई। हो सकता है चुनाव की वजह से, जिन चुनाव की वजह से ना आई हो, लेकिन अब की बार किसान जो है वो अपनी वोट जाति और धर्म पे बंट के नहीं देगा। इस बार किसान वोट किसान मुद्दों पे देगा। हमने मंच में भी लिखा हुआ है, जो किसान का काज करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारी 65% वोट है, 35% से 40% वोट वाले का राज आता है, 65% वाला भिखारी बना हुआ है। आज तक सारी किसान यूनियन ने अपने आप को अराजनीतिक कहती रही है और राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठाती रही है। हम आंदोलन तो कर लेते हैं, बहुत से किसान अब तक शहीद हो चुके हैं आंदोलनों में, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो डरती हैं वो वोट से डरती हैं। अब की बार किसान किसान मुद्दों में वोट देगा और ये रैली जो है इसमें एक निर्णय करके आज उठेंगे। एक बजट में भी कुछ किसानों को पैसे देने की बात, देखिए बजट में हमारे जड़े पे नमक छिड़का गया है। शर्मसार बात है कि हमें 500 रुपये महीना बैठता है, जो 2 एकड़ से कम वाला किसान है, 2 हेक्टेयर से कम वाला 5-6 हजार रुपये उसको साल में दिए गए, यानी 500 रुपये साल है। और शर्म की बात इस सरकार के लिए ये है कि देश का एक जो फोर्थ क्लास कर्मचारी भी रिटायर होता है, फोर्थ क्लास कर्मचारी, उसकी भी पेंशन 15,000-20,000 रुपये होती है। यहाँ पे 50,000 पेंशन वाले हमारे देश में कर्मचारी हैं, और हमें एक किसान के हिस्से में, जो वीएम सिंह जी ने बताया, एक मेंबर के हिस्से में 3 रुपये प्रतिदिन आता है। क्या इससे सुसाइड रुक जाएंगे? क्या इससे किसान की आत्महत्या रुक जाएगी? हमारे जड़े पे नमक छिड़कने की और बात कर रहे हैं। और अगर मोदी जी इस भुड़के में हों कि किसान इस बार फिर मिसगाइड हो जाएगा, किसान फिर इस बार जुमलों में फंस जाएगा, तो इस बार मोदी जी सोच लें कि ये उनको महंगा पड़ेगा। आने वाले चुनाव में देश का किसान अपने अधिकारों के लिए अपना मत प्रयोग करेगा।
कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।